गुड मॉर्निंग एंड सुबह की शुरुआत एज ऑलवेज कनिका रानी के रिएक्शन बच्चों को देखकर मन तो खुश हो जाता है, भले ही रात कितनी भी मुश्किल में बीती हो। और आजकल मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है और कुछ सवाल भी है आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। छोटी सी नहीं बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम है जिसका आंसर भी चाहती हूँ ब्लॉग के आखिरी में शेयर करूँगी। क्या है इन चूटों का कनेक्शन किसके साथ, तो वो सब मैं आपको ना इस ब्लॉग में बताऊँगी और उसके हिसाब से आप लोग मुझे सॉल्यूशन बताना प्लीज़। और ये देखो रूम खोलते ही लड्डू रानी का रिएक्शन, कितनी ज़्यादा खुश हो जाती है रूम खुलते ही। और सुबह रूम लॉक करके इसलिए क्योंकि रात में वह बहुत लेट से सोते हैं, 3-4 बजे सो पा रहे हैं और क्यों सो रहे हैं 3-4 बजे वो ब्लॉग की आखिरी में बताऊँगी। और सुबह सुबह अनमोल आके जगा दे तो क्या हालत होगी ना हमारे, इसलिए रूम बंद करके ही सो रही हूँ। और 8:30 बजे उठती हूँ तो सारा अपलोडिंग करके और फिर रूम खोलती हूँ तो जाके पापा की रोटी सेकती हूँ। उसके बाद मैं खा रही थी दोपहर में खीरा और फिर कर रही थी लड्डू रानी के साथ थोड़ी सी मस्ती। और सुबह सुबह मैंने खाया था गीला चावल। आजकल 2-3 दिनों से मेरी हालत इतनी ज़्यादा नींद के मारे ख़राब हो जा रही है, दिन में सो नहीं पा रही हूँ कि मतलब मुझे ना कुछ समझ, दिमाग ही नहीं काम कर रहा, क्या बनाना है क्या खाना है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल सुन्न पड़ा हुआ है। बट फिर भी वैसे ही जैसे तैसे जो कर पा रही हूँ कर रही हूँ। और क्या रीज़न है सब कुछ इस ब्लॉग के आखिरी में आपको मैं बताऊँगी, बिल्कुल बारीकी से बताऊँगी, उसके हिसाब से आप लोग मुझे सॉल्यूशन देना। फिलहाल तो लड्डू रानी की स्माइल के साथ ना सारी टेंशन गायब हो जाती है मेरे कहीं ना कहीं। और आधी रात में 1 बजे क्या हुआ वो आपको इस ब्लॉग के एंड में देखने को मिलेगा। और ये मैंने ना बुके में से कुछ फ्लावर्स के ट्यूटोरियल वीडियो भी बना लिए हैं, तो मैं पहले सोच रही थी ना कि यहाँ भी सिखाऊं ब्लॉग में, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं शॉर्ट में ही सिखा देती हूँ। शॉर्ट्स में मैंने ट्यूटोरियल वीडियो डाल दी, आप लोग जाकर देख लेना। और यहाँ मैं खा रही थी बोंडा और कुछ नाश्ते के डब्बे में बहुत कुछ आया था जो कि आपको ना वो भी शॉर्ट्स में देखने को मिलेगा। बहुत लोग ये रहते हैं ना कि आपने जो हमें शॉर्ट्स में दिखाया वो आपने ब्लॉग में भी दिखा, तो लीजिए भैया आप, हम ना शॉर्ट्स वाला कुछ भी आपको ब्लॉग में नहीं दिखाएंगे और फुल आपको जाकर वहीं देखना। वैसे मैंने कभी दिखाया भी नहीं है, मैंने पता है यहाँ बहुत शॉर्टकट में बस एक जो होता है ना अपडेट देने वाला काम कर देती हूँ कि ये चीज़ें बनी है जाकर आप लोग देख लेना। और ये मैं खा रही थी बोंडा, लेकिन बोंडा में ना कच्चे लहसुन का बहुत ज़्यादा स्वाद आ रहा था जो कि थोड़ा सा ना बहुत शार्प सा स्वाद था, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं, बट एक जूठा कर दिया था मैंने तो इसको, मैंने जैसे तैसे खाया। मिठाई बहुत टेस्टी थी, बिल्कुल यमी यमी सी थी और लो मिठाई, लेकिन कैसी मिठाई थी कुछ हटके थी जो कि आप लोग जाके शॉर्ट्स में देखना कैसी थी। और ये देखो पूरे बिस्तर पे अनमोल ने, आज मेरा बिस्तर का इतना ज़्यादा कबाड़ा किया ना, आज पूरा चादर हटाऊँगी और इसको धुलूँगी भी बिस्तर को, बट दिन भर ऐसे ही छोड़ दूंगी क्योंकि चूटे जो है ना रात में लगते हैं, तो मैं रात में सोने से पहले आज पूरा बिस्तर अपना साफ़ करूंगी, नया साफ़ सुथरा चादर बिछाऊंगी और ये वाले चादर को कल धो दूंगी। और मैं रेडी हुई थी, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं मैंने यहाँ शॉर्ट्स के लिए, सब अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर ज़रूर देख लेना और अपना भर भर के प्यार एंड सपोर्ट देना। और इसके साथ ही अनमोल लेके चल पड़ा अपना चिप्स टिप्स जो भी था। और लाइट भी कट गई थी, मैं वीडियो बना रही थी तब भी और इतना तीखा था कि मेरा मुंह लहर मारने लगा, फिर मैं जा रही थी दौड़ के पानी पीने। आजकल मेरा तीखा खाने का हैबिट छूट गया, वैसे भी मुझे बचपन से पता है तीखा बिल्कुल पसंद नहीं था, मेरी मम्मी पापा ना बहुत गुस्सा करते थे जब मैं तीखी चीज़ों को धो के खा लेती थी, जैसे कि पता है नॉनवेज को भी मैं क्या करती थी ना, पानी से धो देती थी चिकन को और फिर खा लेती थी, तो मेरे घर में सब बहुत गुस्सा करते थे कि ऐसे कौन खाता है ऐसे कौन खाता। आलू की सब्ज़ी में भी आलू को धो देती थी पानी से और फिर उसको खाती थी जब तीखा और लगता था, तो ऐसे हैबिट से मेरे घर के लोग भी बहुत परेशान हो जाते थे मेरी, मुझे तीखा नहीं पसंद था। और डीजे सर तो इतना स्पाइसी खाते थे ना शुरू से ही कि मैं फिर यहाँ आई तो मुझे थोड़ा थोड़ा तीखा खाने का आदत बन गया था, लेकिन अब फिर से वापस मैं जब रांची रही ना तो मैंने फिर से अपना वाला खानपान शुरू कर दिया था जो कि ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है, तो मेरी ना हैबिट ही नहीं है। ये देखो अनमोल से मैंने चिप्स मांगा तो बड़ी प्यार से ढूंढा, मुझे लगा कि बहुत अच्छा वाला ढूंढ के देगा मुझे, तो जितना छोटा ढूंढ सकता था ना उसने उतना छोटा ढूंढा मेरे लिए और फिर मुझे दिया ये देखो टूटा फूटा हुआ छोटा सा मुझे लाकर के दिया है इसने। और रात में जो हुआ है ना 1 बजे करीब, उसने तो मेरी तबीयत ही ख़राब कर दी है, मुझे एकदम झकझोर दिया है और पता नहीं व्लॉग कब तक मेरा किस टाइम पे गया होगा, आप लोग वेट भी किए होंगे शायद आई थिंक आज के ब्लॉग के लिए, क्योंकि मैं ना दिन में रेस्ट करना चाहती थी, वैसे तो कनिका सोने नहीं दे रही थी बट आँख बंद करके बस मैं लेटी हुई थी चुपचाप बहुत देर तक।
और वो चिल्ला रही थी तो उसको जग के खिला ले रही थी, फिर आँख बंद करके लेट जा रही थी। मेरी आँख में इतना दर्द हो रहा था। और ये देखो फ्लावर का ट्यूटोरियल मैंने दिया, आप लोग जाकर ज़रूर देख लेना। और मैं किचन में आके पता है ये दुपट्टा हैक, पता है ये क्यों कर रही हूँ, ऐसे मोटा सा दुपट्टा जब गर्दन पे रख लो ना तो गर्दन ऐसे लगता है एकदम, तो गर्मी से ना पसीज गया, इतनी गर्मी है ना। तो ऐसे आप ही कर सकते हो कि ससुराल में हो दुपट्टा रखना कंपलसरी है, ज़रूरी भी है, तो फिर आप ना ऐसे इसको बांध दो। इससे क्या होगा ना कि गर्दन पर मोटा सा जो गठला जैसा बन जाता है ना वो नहीं बनेगा, और बिल्कुल हल्का हल्का आप लोग गर्दन से फील करोगे और बड़े आराम से अपने सारे काम निपटा लोगे। बड़े ये ना थोड़ा सा फैला फैला हुआ वाला दुपट्टा है तो पीछे से उठा उठा हुआ सा हो जा रहा, अच्छा नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी काम से मतलब है। और वो जो लीजी बिजी वाले दुपट्टे होते हैं ना, लीजी बिजी मतलब मेरे टोन में मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल मुलायम मुलायम से होते हैं वो, बहुत अच्छा लगता है वो। इस तरह से बना के ले लो तो वो बिल्कुल अच्छे से शरीर से चिपका हुआ भी सा रहता है और अच्छा लगता है। बट ये वाला थोड़ा सा फुला फुला हुआ है, बट ठीक है कोई बात नहीं, काम करना है। और देखते हैं कि मेरी सासू माँ आती हैं तो उनका ध्यान जाता है कि नहीं, किसने कुछ अलग सा कुछ कर रखा है, उनको कुछ वियर्ड दिखता है मेरे में कि नहीं। तो मैं इसलिए चुपचाप यहाँ करी थी, तो मैं देख रही ध्यान से कि वो देखते हैं कि नहीं। तो पहली बार तो उन्होंने नहीं देखा, लेकिन फिर एक पलटी तो फिर एक बार देखी मुझे, और बाद में फिर देख रही थी। यहाँ कुछ ऐसे डिस्कशन हो रहा था पापा के बारे में, मतलब ससुर जी के बारे में। और वो पापा ना कोई भी काम लगता है ना, कोई भी काम चीज़ करवाना होता तो वो पहले ही स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि अरे बहुत टफ है बहुत टफ है, तो वही वो बता रही थी यहाँ, और मैं ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी इस वीडियो के लिए, जिसमें मैंने अपनी साउंड के बारे में बोला था कि किसी ने मुझे कमेंट किया था कि ना ही तुम्हारी आवाज़ अच्छी है ना ही तुम अच्छे हो, तो उस पर मैंने रिप्लाई किया था। और मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना अच्छा उस वीडियो पर रिस्पॉन्स आएगा, इतने सारे कमेंट्स, मतलब आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट उसी वीडियो पर आए हैं, और इतने सारे अच्छे अच्छे वाले कमेंट्स सब। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो में थैंक यू बोलना तो बनता है ना सभी को। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कल की वीडियो में मैंने सोचा है कि मैं अपनी इंगेजमेंट वाली बहुत सारी फ़ोटो शेयर करूं। बहुत लोग ये कमेंट्स आते हैं कि आप अपनी शादी से पहले की फ़ोटो भी शेयर करो, तो अब आप लोग बताओ कि सिर्फ इंगेजमेंट वाली। देखो मम्मी ने एक बार और फिर से देखा मेरा ये दुपट्टा, मेरा नकी नमूनी बनी हुई है ये। तो फिर अब आप लोग बताओ कि आप लोग मेरे सिर्फ इंगेजमेंट वाली फ़ोटो देखना चाहते हो शादी से पहले की, या फिर मेरे मतलब मैं कैसे रहती थी मायके में, उस वक्त के भी मेरे बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, तो आप लोग बोलोगे तो वो भी कल के व्लॉग में शेयर कर दूँगी। वरना मैंने मेरा प्लान है सिर्फ इंगेजमेंट वीडियो शेयर करने का। आजकल आप भी कनिका को रख रही है ना, इसीलिए आपसे भी चिड़ा हुआ है। मेरे से तो चिड़ा ही रहता था, आजकल आप भी कनिका को रख रही है ना, तो इसीलिए आपसे भी अब चिड़ा रहता है। अब चीजें लेते क्या होगा भाई, क्या तो होगा वो होगा, अब वो मोबाइल में ना रहे तो मतलब पकड़ा के घूमने चले जाए, क्या होगा वो घूम रही है बाहर। तो बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि आप बोलते हो कि आप पटना से हो तो आप उधर की लैंग्वेज में बात करके दिखाओ, वीडियो बनाकर दिखाओ, तो मेरे से वो तो कभी नहीं हो पाया। लेकिन हाँ मैं इसीलिए पता है बीच बीच में कभी कभी सासू माँ वो उधर की लैंग्वेज बोलती हैं, तो मैं इस वजह से ना उनकी आवाज़ कई बार ऐसे ही रहने देती हूँ। और हम मैं और सासू माँ आपस में कैसे बात करते हैं, कैसे मिलजुल के काम करते हैं, आज के इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाली हूँ। और सामने की आवाज़ कुछ रहने दूँगी ताकि आपको हमारा जो लैंग्वेज है वो समझ मतलब पता चल जाए कि हम लोग कैसे बात करते हैं, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि लोग सामने सामने वाला वीडियो डाल दे, मतलब सामने सामने की वॉइस वाली, और दूध चढ़ा के थोड़ी देर कर लेते हैं लड्डू बनाने के साथ मस्ती, फिर मैं सानूंगी आटा और रोटी बनाऊंगी। ये देखो ये देखो ये देखो ये कौन आ गया वीडियो में, हप्पू हप्पू कौन आ गया, ये हप्पू हप्पू कहाँ से आ गया, बाय टाटा। बाय टाटा, कर दो तुम भी। चोली है मैडम, तो यहाँ अनमोल दाल नहीं सॉरी दूध पी रहा है जो कि दादी माँ उसके पिलाने में लगी पड़ी है उसको, और मैं लड्डू को थोड़ी देर खिला कर उसके बाबा के पास दे दूँगी। और व्लॉग के आखिरी में मैं आपसे एक सवाल करूँगी, और मुझे आप सभी की हेल्प की बहुत ज़रूरत है, बहुत से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं आखिरी में सवाल करूँगी, उसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है। मिस्टर बनी
चू झालडू झालडू कौन है सब्जी बस ले बिना बना काम कर अच्छा बाय कर दो बाय टाटा बाय टाटा कर दो टाटा तो कर दो अरे बूटी इधर वाले हाथ से करिए अच्छा आ सामने करती कर दो दोनों हाथ चालू अब करो बाय टाटा टाटा आओ 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 बाय तो हो गया मैं पापा के पास लेटाई हूँ कनिका को मम्मी वाले रूम में और मैं सान रही हूँ आटा और यहाँ से आपको थोड़ी सी सामने की हमारी लाइव गप शराका सुनने देते हैं और उसके साथ साथ गप होते होते हमारा काम भी होगा उधर मम्मी बना रही हैं फली की सब्जी और मैं सान रही हूँ आटा सुबह भी मम्मी ने फली की ही सब्जी बनाई थी और फिर कल मतलब सुबह शाम सब्जी बना फली का फिर आज भी सुबह फली का ही सब्जी मम्मी को फली इतना पसंद आ गया है कि अब मम्मी लगता है डेली फली ही खाएंगी तो उधर फली की सब्जी मम्मी बना रही है और मैं इधर आटा सान रही हूँ मैं डेली रोटी बना दूँगी मम्मी डेली फली की सब्जी बना देंगी शायद तो यहाँ की लाइव आवाज़ रहने देते हैं अब और अब आप लोग सुनो और उसके बाद फिर मेरी वॉइस ओवर आपको थोड़ी देर बाद सुनने को मिलेंगी कसाई में बनी एकदम साफ फोटो इधर से साफ आता है और वो उधर रखते हैं ना तो साफ नहीं आता है उधर साइड की रोटी सेकते हैं ना कई बार तो साफ नहीं आता है इसलिए आज मैं इधर रख लेते हैं इसके लाइट से साफ है साफ साफ आ रहा है एकदम एकदम साफ आ रहा है क्या रखो तो मोबाइल ले ले बहुत देख लो बहुत देख लो कोई बात ना मोबाइल के आगे तो कुछ नहीं घूम देवी घूमती देखा लेकिन कोनो मतलब नहीं की तो भी तो खेलती है आज थोड़ा सा शरीर पकड़ी हुई थी लेटने देता है अगल बगल में कूदने लगता है ना आज रूम में भी जितने देर जगी रही है लेके बैठे डर लगता है जो गिर पर जाए जाइए कूद कूद आ जाए नीचे लेटाते ही तो गोदी में लगे तो जरूरत नहीं पड़ता है तो फिर आज थोड़ा सा दिन भर आज दिन भर पता नहीं कुछ लेटाते ही रोने लगे कोई भी नहीं आज दिन में अच्छे से
अरे ठीक है ना पहले काम भी तो था इनको क्या नमस्ते कुछ नहीं कर रही बाथरूम जाने से पहले पूछ लेते हैं फोन तो नहीं ले लोगे कोई हाँ हाँ फिर आज बम बम वाले बारे ही फिर आज गर्मी है तो इधर रोटी सेकने के बाद मुझे कूलर भी भरने जाना है तो वो हम पापा से भरवा लेंगे। ये शाम में मम्मी भर रही थी तो मम्मी आवाज़ लगाई लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि ना मेरे ही रूम में अनमोल भी आके सोया हुआ था और एक तरफ कनिका सो रही थी। अगर मैं चू चपड़ भी करती ना ज़रा सा भी दोनों के दोनों जग के बैठ जाते और मैं चुपके से बैठ के ना अनमोल के नाखून काट रही थी सोए हुए में ही। तो इस चक्कर में मेरा कूलर आज नहीं भर पाया है बट अभी जाऊँगी तो देखती हूँ भर लूँगी या फिर पापा को बोलूँगी तो पापा भर देंगे। और एज़ ऑलवेज एक गिलास पानी पी के बस शुरू हो जाऊँगी मैं रोटी बनाना और फोन को रख के नहीं आते हैं। पहले चलते हैं पानी भरवा लेते हैं। क्या नहीं चल रहा है? कूलर। किसका कूलर नहीं चल रहा है? तुम्हारा कूलर। चलिए तो पापा पाइप लगा दीजिए तो कूलर में। कूलर में पाइप लगा दीजिए। अनमोल क्या खा रहा है? मेरे को तो बनना। अनमोल क्या खा रहा है? मैंगो। कल सारा याद किया है फिर भूल भी जाता है। देखूं अंदर से ना कल क्या क्या अनमोल ने याद किया एक बार बता दो तो सारा कुछ हमको फिर से। अरे लड्डू बता देंगे हम पापा देख के। आप चलाइए पाइप लगाइए तो तब तक आप लोगों को दिखाते हैं कि खाना वाना बनने के बाद किचन में अभी क्या बन रहा है। तो अभी बन रहा है यहाँ पे मैंगो शेक और रात में एक गिलास मैंगो शेक मतलब एक कटोरी मैंगो शेक पीने के बाद मैं पी लूँगी एक गिलास दूध। और रूम में गई तो अनमोल आम खा के घूम रहा था तो मुझे अपना रूम भी पहले थोड़ा साफ़ करना है फिर ही मैं आज खाना खाऊँगी। और आज मुझे खाना खाते खाते भी 10 बज गए थे क्योंकि ना ये पूरा बिस्तर मुझे चेंज करना पड़ा था। अनमोल आम खा रहा था तो कहीं ना कहीं टच तो ज़रूर किया है। तो इसके साथ ही आजकल मैं वैसे भी एक दो दिन पे बिस्तर धो दे रही हूँ क्योंकि देखा ही आप लोगों ने कितना छोटा लग रहा है मेरे रूम में हॉल में हर जगह लग रहा है तो थोड़ा सब चेंज करके साफ़ सुथरा कर देंगे। लड्डू देख रही है आम तो लड्डू रानी को भी पसंद है और उधर भर रहा है कूलर तो उसे भी देख रही थी। तो इस सब चक्कर में ना थोड़ा सा लेट हो गया था खाना वाना खाते हुए रात का। और वैसे तो मैं सुबह की खाई हुई थी, सुबह मैंने रोटी खाया था और दही और भूख तो लगी हुई थी लेकिन काम था तो फिर ना मैं ऐसे उलझी रह गई इधर उधर। और शाम में नाश्ता आया था तो उसमें से नाश्ता में से ज़रूर मैंने एक बोंडा खा लिया था तो इस वजह से थोड़ा सा चलो लेट से भी खाई तो कोई दिक्कत नहीं है। शाम में कुछ स्नैक्स हो जाता है तो फिर वैसे भूख नहीं लगती है इतनी जल्दी। और ये बन चुका है मैंगो शेक तो इसे रख देते हैं फ्रिज में। मेरा कटोरी और इसको रख दिया मैंने फ्रिज में, ये ठंडा होएगा तब तक मैं खाऊंगी यहाँ पे फली की सब्जी एंड। तो मेरा सवाल भी है साथ में, आप सभी को बता दें कि चूटे मेरे रात में मतलब रूम में 1 बजे से ही क्यों परेशान कर रहे हैं और मैं क्यों नहीं इनका कोई जुगाड़ कर रही हूँ। सब कमेंट कर रहे हैं हीट लगा दो, लक्ष्मण रेखा घींच दो, भाग जाएंगे सभी, हम लोग यही कर रहे हैं। बट हमारे घर में मैं इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि मेरी सासू माँ को बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। ये रात की 1 बजे की वीडियो है, मैं वापस जगी, बिस्तर में घुसा हुआ था, सब निकाली और फिर उसके बाद वापस सोई और ये 1 बजे की वीडियो है। भले ही 2 चूटा ही घुस जाए लेकिन डर तो लगता है ना। और परसों रात तो मतलब नहीं भी तो 7-8 चूटे थे। तो मम्मी को मैंने कहा कि अनमोल को शाम में, अनमोल भी ना क्या करता है मार देता, तो मैंने अनमोल से कहा ना कि इसको मारना नहीं है, सबको ना दादी माँ के रूम में दे देते, उन्हीं को लगाव है। तो वो कहीं ना कि हाँ सबको डाल दो मेरे रूम में, बट ये जाए कैसे उनके रूम में समझ नहीं आ रहा है। और लगाओ उनको है, पाला पोसा उन्होंने, तो ये मेरे रूम में क्या करते हैं 1 बजे से लेकर 4 बजे तक समझ में नहीं आता है। और ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, नींद ख़राब होने से मेरा माइग्रेन का दर्द इतना बढ़ जा रहा है कि मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ रही है। अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं दिन में सो नहीं सकती,
मेरे व्लॉग, वॉइस ओवर करती हूँ, व्लॉग वीडियो सारे अपलोडिंग करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, साथ में घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं करना है। तो बच्चे भी हैं, कनिका भी है, मेरे साथ ही रहती है पूरे टाइम। अब आप ही लोग बताओ मैं क्या करूँ कि ये भाग जाए मेरे रूम।